नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर दबा दें और पाए हमारी चैनल पर इसी तरह के न्यू न्यू जो वीडियो होते हैं, न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन है गाड़ी के बारे में, वो आपको बताते रहते। देखिए, अब जो है फिलहाल स्थिति इतनी ख़राब चल रही है कि 31 मार्च, क्या उससे आगे भी अगर यही हाल रहेगा तो किसी को भी जो है बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कोई फिलहाल बाहर नहीं जा पा रहा। ऐसे में मैं जो है ड्राइवरों की हालत बता रहा हूँ। फिलहाल जो ड्राइवरों की हालत चल रही है, देखिए, जो जहाँ पर थे वहीं के वहीं रह गए हैं, ना ही कहीं पर जा पा रहे हैं और ना ही कुछ। अब ऐसे में देखिए बहुत परेशानी आ जाती है। किसी के पास पैसे होते हैं खाना खाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, या फिर कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है उसको। अगर जिसके पास पैसे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, अगर जिसके पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि इस टाइम पैसे से भी ज़रूरी है कि उसके पास जो भी खाने पीने का सामान है वो है या नहीं है, क्योंकि दुकान वगैरह कुछ भी नहीं खुला हुआ है। तो जो घर पे है, फिलहाल मैं तो इस सिचुएशन में घर पे ही था, तो ये तो थोड़ा सा जो है शुक्रगुजार है भगवान का, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेकडाउन चला हुआ था, क्योंकि हमारा जो है रोजाना का घर आना जाना हो जाता है। अब ऐसी एक गाड़ी का मैं आपको बताता हूँ कि एक सड़क पे गाड़ी खड़ी थी जो तमिलनाडु की गाड़ी है, और उसमें क्या है कि पूरी गाड़ी के अंदर कटहर भरा हुआ था। तो ज़्यादा कटहर भरने के कारण वो है क्या है? कुछ ख़राब ना हो जाए, इस कारण वो गाड़ी तो चलेगी नहीं, वहीं पे खड़ी रही, क्योंकि आज के दिन ज़्यादा जो है ब्रेक डाउन है। और आज तो बिल्कुल भी कोई गाड़ी नहीं चल रही है, पहले फिलहाल चल भी रही थी कुछ, आज बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो देखिए मैं आपको एक कटहर दिखाता हूँ। हाँ, बस हंसी में जो है मजाक समझोगे, लेकिन उस पूरी गाड़ी के अंदर जो है कटहर भरा हुआ था और पूरी गाड़ी को जो है खाली करवा दिया, क्योंकि वो वैसे ही बेकार हो जानी थी और वैसे ही बेकार हो जानी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो है सभी को इतना नुकसान हुआ है और इतना जो है लॉस हुआ है 5-6 दिन के अंदर, और आगे भी लॉस होगा। तो जो आम पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर मान लीजिए जैसे नोटबंदी हुई थी उसी तरीके से ये काम हुआ है। अगर अब भी किसी के मान लीजिए इस दौर में 5-7 दिन के अंदर किसी के घर में शादी है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल बन जाता है ये काम पूर्ण रूप से करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर दुकान ही खुली नहीं है तो कोई सामान भी नहीं मिलेगा, ना ही कुछ चीज़ आप खरीद सकते हैं, तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में ना आए तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये सब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस बीमारी से लड़ने का संघर्ष रखिए जितना उसके घर रहें, बाहर कहीं पर ना निकले, और अपने जो है मुंह के ऊपर, माउथ के ऊपर एक जो है मास्क ज़रूर लगा लें।